भाई आवाज आप तक आ रही है आसानी से? सलामत है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मुझे जिस मौजू के लिए हुक्म दिया गया उस पे आने से पहले सब शिया सुन्नी दोस्तों को सादात पे सादात को शहंशाह वफा की अहमद के बारे में याद रखिएगा। ये पाक नाम हमेशा से हर दौर से हर ईमान के दौर से बल्कि अपने इस दुनिया में आने से पहले भी एक अजमत का हामिल रहा। कभी वक्त हुआ तो चूंकि आज मेरा ये मौजू नहीं है, दुनिया में आने से पहले भी अजमत का हामिल रहा है। लेकिन इस दौर के शिया सुन्नी उस मुसलमान के लिए जो अपने वक्त के इमाम से मोहब्बत करता है, जो मारिफत चाहता है, जो वफा चाहता है, जिसे माँ ने पाकीज़ा दूध पिलाया है, जो अपने मालिक का नासिर है, मुंतजर है, उसके लिए जितना कुरान अहम है उतना ये सहीफा वफा अहम है। किसी को कल मेरे जाने के बाद रिकॉर्डिंग हो रही, किसी मौलवी से तकलीफ हो, मौलवी साहब को तकलीफ हो कि ये क्या कह दिया कि अब्बास जो बज़ाहिर ईमान भी नहीं है उनके लिए इतना बड़ा जुमला कह दिया। इसकी तफहीम के लिए जवाब के लिए मैं हाजिर हूँ जब भी जहां भी जाऊँ, मगर भूलिएगा मत कि सरकार वफा की जिंदगी का एक एक लम्हा एक एक लम्हा सहीफा है, कामिल सहीफा मुंतजरीन के लिए अपने वक्त के ईमान से मोहब्बत करने वालों के लिए जिन्होंने अपने दिलों में नुसरत की तमन्ना के पौधे लगाए हैं, उन पौधों को पानी मिलेगा, बहारें मिलेंगी, जिंदगी मिलेगी, फल मिलेगा इस पाक जात के। इसी पाक जात ने अपनी जिंदगी में बताया कि वक्त के ईमान की नुसरत करते कैसे, अपने वक्त के ईमान की इत्तेबा कैसे की जाती है, अपने वक्त के उस वक्त के ईमान जमाना शहंशाह करबला है। तो जो है ना मेरी तरफ, आप रिवायती तकरीरें सुनने के आदि होंगे और मैं रिवायती तकरीर करने का आदि नहीं हूँ। मुझे कुछ पैगाम देके जाने आपको, क्योंकि ये दिन ऐसा है, हमारे रहनुमा का दिन है ये खासतौर पर मुंतजरीन के लिए। याद रखिएगा शिया हो चाहे सुन्नी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी मुंतजर हैं। जिन पे अल्लाह ने करम किया है कि दिल में ईमान की रमक है, दीन का पैगाम मौजूद है, वो मुंतजर हैं। तो जो है ना मेरी तरफ, सरकार इमामे सादिक अलैहि सलातु वस्सलाम ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज आले मुहम्मद सलाम किया तो क्या कहा? अब्दुल्लाह। क्या कहा? अब्दुल्लाह सालेह। ये अब तो सारे
अब्द बनना सिखाया है अब्बास ने, मासूम जात ने नाम रख दिया, खुद है वो, मगर जिस सतह पे वहां कोई हो नहीं सकता। ये अब्द आम बंदा मत समझा करें आप, बदकिस्मती ये है कि इस दौर में लोगों ने पाक घराने के अलकाब चुरा चुरा के उनके मकाम पे कब्जा करने की राह में पहले अलकाब चुराए जाते हैं ना। माजी में अली के मुकाबले अमीर मोमिनीन बना करते थे, अब हुज्जत के मुकाबले में हुज्जत बनते हैं। तो मानी खुद वो आयात इलाही है, तो आज हर दूसरा मौलवी आयतुल्लाह तो बच्चे का ये मौलाना भी ठीक नहीं होता। मेरे सुनी भाई भी सुनिएगा गौर से, जुमे का खुतबा जब पढ़ते हो सहाबा को तो मानते हो ना, अहले बैत को भी मानते हो, जिस सहाबे के नाम ले तो नबी के नाम ले तो सैयद नाम मौलाना, हमारे सरदार हमारे मौला, नबी भी मौलाना, सहाबा भी मौलाना, और जो हफ्ते बाद तुझसे रोटी लेने आते हैं बल्कि रोज भी लेने आते हैं वो भी मौलाना। मौलाना हमारे मौला भाई हजम कर गया इंसान, मौलाना से शुरू हुए थे अब इमाम पे खत्म हुए, डायरेक्ट इमाम बन गए, आयतुल्लाह भी बन गए, हुज्जत भी बन गए, बचता क्या है? और हम हैं कि सर धुने जा रहे हैं। भाई कल आपने 1400 साल जंग की है, आप लोगों ने अहले बैत के मानने वालों ने 1400 साल जंग की है, बच्चे मरवा दिए, जवान मरवा दिए, घर तबाह हो गए, क्यों? हम गैर मासूम को औली अमर नहीं मानते, आप जो मर्जी अपने नाम के साथ वली अमर लिखते हैं, आप कहते हैं बिस्मिल्लाह। तो 12वीं का दौर आसान नहीं है, अपने दीन की हिफाजत आसान नहीं है, बड़ी छोटी छोटी बातों में तो उलझ पड़ते हैं, बड़ी छोटी छोटी बातों में, और ये शैतान की चाल होती है, हाथ इधर बांधो हाथ उधर बांधो, हाथ खोल दो हाथ ना खोलो, वो भाई हकीकी नमाज का जो वजूद है वो तो ढूंढो, नमाज है कौन, नमाज है क्या, दीन क्या है, दीन के अपनी अपनी जफीन पे झगड़ा करते 1400 साल गुजर गए, 1400 साल गुजर गए, दीन की हकीकत को भूल गए, जिसका नतीजा ये निकला कि आज जो बंदा जो बनना चाहे बन जाता है, दीनदार भी होते हैं, अल्लाह से प्यार भी करते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, छोटा चाहे बड़ा, उसे मौलवी जो मर्जी राह दिखा दे बिस्मिल्लाह चल पड़ते, दीन की जो मर्जी तफहीम करते, जिसे मर्जी हलाल करते, जिसे मर्जी हराम करते, हम बिस्मिल्लाह करके कबूल कर लें, किस लिए कि जिस घर से दीन मिलता है उस घर का हक अदा नहीं किया, दीन उससे लिया ही नहीं है, उससे तमस्सुक किया ही नहीं है, तमस्सुक ही नहीं किया, आप तो बने ही नहीं हम, और आज जो खुशी का दिन है गुजैर भाई, खुशी का दिन है ना आज, जिस खुशी का दिन है हमारे लिए नेमत है, नेमत है उसमें कि हमारे पास ऐसे हादी मौजूद है, ऐसी याद मौजूद है, ऐसे दिन मौजूद है कि हर साल हम इस दिन में दिन मनाते हुए जरा गौर करें, हम भी किसी पाक जात के अब्द हैं, ये जो अब्दुल्ला गुजरा है इस जात ने बताया है कि अब्द कैसे बनते हैं, मैं कितना अब्द बना हूं अपने वक्त के इमाम का, अल्लाह का अब्द, आपको मेरी बातें कड़वी तो नहीं लग रही, छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं। अभी मुझे एक दोस्त कह रहे थे कि यार हम जश्न मनाते हैं तो यहाँ कवालियां वगैरह पढ़ते हैं, खुशी मनाते हैं तो लोग इतराज करते हैं, जरा इसके बारे में क्या ख्याल है? मैंने कहा यार मैं ना तो इमाम हूँ, और वो जो मरजियत वाले हैं इज्तिहाद वाले उनको हम सर मानते नहीं कि हम खुद दावा करते हैं, मैं तो इतना सा एक तालिब इल्म हूँ, नौज़ बिल्लाह मैं कोई नबूवत और रिसालत का दावा तो कर नहीं सकता, पहले कोई आम बंदे से तो बात कर नहीं सकते ना, आप कोई मौलाना ढूंढिएगा, मैं दूर तो रहता नहीं हूँ, थोड़ा सा पेट्रोल लगेगा मैं खुद खर्च कर लूंगा, मुझे कॉल करके बुला लीजिए, जो इतराज करे जितने मौलवी इकट्ठे होते हैं वो कर लेंगे, पहले मुझे ये बताएं कि ये जो दिन है खुशी के, बारगाह में आपको प्रॉब्लम है ना, ये बारगाह किसका घर है? खुशी है मौला का है ना, तो खुशी भी तो उनकी है, अपनी खुशी मत बनाओ यहाँ, अपनी मत बनाओ, उनका घर है, लेकिन
जहां वो मौजूद हो वो बारगाह बन जाती है। ये बारगाह है इसलिए कि कायनात में कहीं आए ना आए, जब उनका जिक्र हो वो जरूर आते, इसलिए बारगाह है। इमाम बारगाह कहते इसलिए। तो जो सबसे मदीना में, जो मदीना की सरजमीन के लिए जो खुशी का पहला दिन है, पहला पहला, वो कौन सा था? जब नबी आए मदीना में। शिया सुन्नी किताबों में मौलवी साहबान को दस्तावेज कहता हूं, जरा ये रिवायत गलत साबित करके देख। नबी आए, दाखिल हुए मदीना में। अब मदीना की बच्चियां इकट्ठी होके इस्तकबाल के लिए तैयार है। अब याद रखना, जहां नबी मौजूद है वो तेरे मेरे गुनाह के पैसों से बनी हुई मस्जिद से ज्यादा पाक जगह बन गई है, वो बारगाह बन गई है, रसूल खुद मौजूद है। हुज़ैर भाई, जहां नबी खुद मौजूद है उससे बड़ी बारगाह क्या हो सकती है? तो जो है ना मेरी तरफ, बच्चियां आगे बढ़ी, दफ बजा रही है और साथ कह रही है, ताला अल बद्र अलैना मिन सनियात बदाई, जुदाई की घाटियों से हम पे चौदहवीं का चांद तलू हुआ। बाजा बस, ये शुक्र का इजहार है। और एक साहब जो मेरे जैसे कुछ ज्यादा सियाने बनते थे, आगे बढ़े, तेजी से आगे बढ़े, रोकने लगे, बच्चियों को डांट लगे। नबी ने कहा खुशी का इजहार करने दो। वाह जी वाह जी वाह, खुशी का इजहार करने दो। अब देखिए, झगड़ा मत किया करें, आपको अच्छा नहीं लगता ना करें, दलील मौजूद है। झगड़ा मत करो। वाह जी वाह, आप कसीदा सुनो, आप तकरीर सुनो, आप नवाफिल पढ़ो, आप न्याज बांधो। ये रोशनी लगाना तो गुनाह नहीं, आप रोशनी में हिस्सा डालो। आपको नहीं अच्छा लगता, आप एक साइड पे खड़े हो जाए, लड़ो मत, लड़ो इस बात पर कि मैं बारहवें का होके हराम क्यों खाता हूँ। लड़ो इस बात पर क्यों नहीं लड़ते कि तू बारहवें का उम्मती है, तू आजादार अच्छा क्यों नहीं है, तू पाकीजा क्यों नहीं रहता, तू किसी को हक क्यों खाता है, तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता, तू वुज़ू करके मजलिस में क्यों नहीं आता, इस बात पे क्यों नहीं लड़ते, लड़ते किस बात पे हो, खुशी में ये क्यों किया? भाई जिस सतह की जिसकी मोहब्बत और ज़र्फ होता है वो उसी सतह की खुशी मनाता है। ये पाक घर की खुशी है, जिसको खुशी हुई है, जिसके घर में खुशी है, खुशी नजर आएगी। तो जिन्होंने घर फौत किए फूड़ी भी शामिल। मेरी बात समझ आ रही है? झगड़ा मत करो, जो नहीं मनाता उसे भी बुरा मत कहो, जो मना रहा है जैसे मना रहा है उसे कहो ये पाक घर की खुशी है, वुजू करके आओ। अगर तुम पांच वक्त नमाज पढ़ते हो, अगर तुम रिज़्क पाक खाते हो, अगर तुम रोजा भी कजा नहीं करते, अगर तुम मजलिस और मातम भी कजा नहीं करते, अगर तुम बारहवें की दुआ भी कजा नहीं करते, और आज आके हमारे साथ धमाल में शामिल हो, तुम जैसा खुश नसीब कोई नहीं। यार दिल धमाल डाले और उसमें खड़े हो हजार हराम, सही है, तो मौला कहेंगे यार दफा हो जा, ये तो तहारत वालों का दर्श है। सही है, सही है। तो जब किसी को बात समझ ना आए तो मुझसे सवाल कर सकते हैं। झगड़ा मत करें, इन्हीं झगड़ों ने तो दवाई मचाई कि हक छुप गया, मुल्ला को मौका मिला, जो मर्जी कहता फिरे, जो मर्जी बनता फिरे। झगड़ा मत क्या करें, सोचा करें, जिसको जितनी मोहब्बत होती है, जिसकी जितनी समझ होती है, वैसा ही दुख और खुशी का इजहार करता है ना। बात समझ आ रही है ना आपको? अब्दुल्ला है जो मालिक है, जिनका आप मौजूद भूल तो नहीं गए, जो का सवाल था, गुफ्तगु थी मेरे भाइयों की, तो मुझसे वाजिब हो गया था बात करने। इस पर रोज झगड़े होते हैं। अब हद तो ये हो गई ना कि कुरियानी और फहाशी के साथ आ गई, यहाँ महफिल में वो गाने वालियां भी आ गई, तो यार हद तो ना हो, ये भी तो ना करें कि गाने वाली औरतें आ गई, या ऐसे लोग आ गए जो बिल्कुल फोहश और कुरियान लोग होते हैं, तो ये बातें बहुत फैल गई। आए यहाँ नमाज पढ़ने वाला, वुजू करने वाला, आजाद आ जाए, कसीदा पढ़े, कवाली पढ़े, भाई किसने मना किया? जिसके शेरों में कोई ऐसी बात ना हो, जिसके अंदाज में कुछ ऐसा ना हो जिसपे कोई हर्फ जनी कर सके, अंगुष्ठ नुमाई कर सके। पाक घर का जिक्र है, इनमें सभी आते हैं, उनकी महफिलों में कातिल बैठते थे, वो उठाते नहीं थे यार, आप अपनों को खुशी के अंदाज के इजहार से फतवे लगाते थे। खुशी के दिन में तो मतलब मिल जाएगा, तो मालिक घर की खुशी, ऐसे मत करो, खुदा के लिए ना करो।
अब्दुल्ला है, और अब्दुल्ला मैं भी अब्दुल्ला हूँ, आप भी अब्दुल्ला है, लेकिन फर्क है, ये वो वाला अब्दुल्ला नहीं है। लफ्जों के मानी हमेशा एक से नहीं होते। अलम पाकिस्तान का भी है, इंडिया का भी है, अब्बास का भी है। किताबें आपके घर में भी पड़ी हैं, इंजील की किताब है, तौरात की किताब है, बुखारी की किताब है, फिजिक्स की भी होती है, केमिस्ट्री की भी होती है, और इंग्लिश की भी होती है, एक कुरान भी है। लफ्ज एक से हो तो मानी एक से नहीं होते। खुदा ने कहा वस्कुर इबादना इब्राहिम व इसहाक, तो जो मेरी तरफ है वो याकूब, मेरे बंदों का जिक्र करो, बंदों का फख्र से कहा, कौन है बंदे मालिक तेरे, इब्राहिम मेरा बंदा, याकूब मेरा बंदा, इसहाक मेरा बंदा, वस्कुर अब्दना अय्यूब, मेरे बंदे अय्यूब का जिक्र कर, वस्कुर अब्दना दाऊद, मेरे बंदे कुरान में नबी से कह रहे हैं इनका जिक्र कर, क्यों कर, ये जैसे थे मैं चाहता हूं तुम वैसे बनो, जो उसके प्यारे हैं, जो उसके अब्द हैं, जिन्हें वो अब्द कहता है उनका जिक्र कुरान कह रहा है, कुरान बन जाता है, नबी से खुदा कह रहे हैं उनका जिक्र कर जिन्हें मैंने अब्द कहा, और जिसे सादे के आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने अब्द कहा है, ये उस अब्द का जिक्र है। कितनी आयतें पढ़ी मैंने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अब अय्यूब, अब दाऊद, अब इसहाक, अब तो जो है ना मेरी तरफ, ये सारे अब्द हैं, और मेरे नबी के लिए सुभान अल्लाह असरा बे अब्द ही लैलम मिनल मस्जिद अल हराम, और पाक है वो जात जिसने अपने अब्द को मेराज कराई, रसूल भी कहा, नबी भी कहा, मुजम्मिल भी कहा, मुदस्सिर भी कहा, लेकिन हसनैन के नाना को जब अब्द कहा तब कहा जब मेराज पे ले गया, जब वही की मैंने, जब विलायत का पैगाम पहुंचाया, जब अल्लाह और रसूल के दरमियान, खालिक और नबी के दरमियान जिब्रील भी नहीं था, जब डायरेक्ट रब्ते थे और अली का जिक्र हो रहा था, तब ना रसूल कहा, ना मुदस्सिर कहा, ना मुजम्मिल कहा, ना नबी कहा, अब्द कहा। मकामे अब्दियत आम नहीं है। ईसा मां के झूले में सोए तीन दिन, सामने मां बैठी, कौम ने आगे इल्जाम लगाया कि तू पाक घर की, तेरा शौहर नहीं है, और ये बच्चा कहां से आ गया, खालिक हुक्म हुआ इशारे करके, काम तेरा नहीं है, पाकीज़गी की गवाही मेरा नबी देगा, इशारा किया, खुद रोजे में खामोशी है। ईसा ने क्या कुरान इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं, झूले में मैं अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा हूं, मुझे नबी बना के फिर वो बशरे रसूल याद, और मैं उस नबी की बशारत देने भी आया हूं जो मेरे बाद आएगा, नाम उसका अहमद है। तीन दिन का ईसा झूले में गवाही दे रहा है मां की इस्मत की, है अब्दुल्ला इन्ने अब्दुल्ला, मगर जिससे सादे के आले मोहम्मद ने अब्दुल्ला का दरूद पढ़ दे एक दफा, सादे के आले मोहम्मद मेरे मौला ने अब्दुल्ला कहा है, गवाही उसने भी दी है। मखदूम साहब तवज्जो मेरी तरफ रहे, गवाही उसने भी दी है, ईसा अब्दुल्ला है, झूले में मां की इस्मत की गवाही दे रहे हैं, मां की इस्मत का ताल्लुक ईसा से है, और बस गवाही कहां दे रहे हैं, झूले में अब्दुल्ला है। अब अब्दियत का अंदाजा खुद लगाना, कौन अब्दियत के किस मकाम पे है, 124,000 अंबिया की अजमत का मालिक वारिस हुसैन मौजूद है, जिंदाबाद जिंदाबाद, 124,000 अंबिया का वारिस हुसैन मौजूद है, जिलहज का महीना है, तरविया का दिन है, 60 हिजरी है, हुसैन हुसैन को अपने
अपनी मौजूदगी में अपने नाना की रिसालत, अपने रब की तौहीन, अपनी और बाबा की विलायत की गवाही चाहिए। मासूम भी मौजूद है, नहीं कहा किसी से। अब लिसानुल्लाह लहजा लेके अब्बास आए, ईसा ने मां की गवाही दी, अब्दुल्ला है झूले लगाना है तो पता नहीं चल रहा कि मैं सरकार वफा का जश्न पढ़ रहा हूं। नारा लगाए पता चले आपने नारा लगाया। एक नारा ऐसे मुझे लगे आप जाग गए हैं, एक नारा और सुने, नारा है हैदरी। जो है ना मेरी तरफ सलामत रहो, सलामत रहो। अब्बास ने अब्दियत का इजहार किया काबे की छत से खड़े होकर। अब्दियत बजाहिर रिसाला तो इमामत के सिलसिले की इब्तिदा का नाम है। पहले अब्द होता है, फिर नबी होता है, फिर रसूल होता है, खलील होता है, फिर इमाम बनता है। तो जो है ना मेरी तरफ अब्द काबे की छत से खड़ा होके गवाही दे रहा है। और ये मैं जिससे मुतासिर खतीबे काबा किताब का अली असगर जोनसी मौजूद है मेरे पास, बहुत से लोग पढ़ते इसको, देखो नगरी से मेरे मालिक का एहसान अल्लाह जल जा करीम तो कह दो ये दुआ सिखाने वाले मौला खुशियां दे पाक घर को। पहली खुशबू इस खुतबे की बहुत से लोगों ने पढ़ा, लेकिन जो दरअसल इस खुतबे में मालिक कहना चाहते थे उधर नजर ही नहीं गई किसी की। तो मैं आज आपको दावत फिक्र दूंगा, तो जो मेरी तरफ है अब्बास खुतबा दे रहे काबे की छत पे खड़े हो। अब्बास कौन है? वो अब्दुल्ला जिसे नबी ने अब्दुल्ला कहा, जिसे सादिक आले मोहम्मद ने अब्दुल्ला कहा। कुछ लोगों को परेशानी हो जाती है घर के फजाइल सुनते हुए कि यार गुलू कर रहे हैं। गुलू कहते हैं हद बढ़ाने को, गुलू कहते हैं हद से आगे जाने को। भाई साहब इनकी कोई हद मिलेगी तो आगे जाओगे ना। बस अल्लाह मत कहो फिर गुलू नहीं होता, तकसीर होती है। गुलू हो ही नहीं सकता, हद मिलेगी तो जाओगे ना। अब्बास है कौन? हैदर का बेटा, मेरे मौला लिसानुल्लाह अलैहिस्सलाम का बेटा। सामने कौन खड़ा है? हुसैन। किसका बेटा है? हुसैन भाई मैं आपसे दाद लूंगा और दुआ भी लूंगा। हुसैन किसका बेटा है? नबी का बेटा है। कुरान ने सूरह आया मुबाहला में कह दिया ये नफ्स रसूल अली है, हसनैन मेरे बेटे। भूल क्यों जाते हैं? शियों को तो नहीं भूलना चाहिए, शियों को तो नहीं भूलना चाहिए हमेशा का हसनैन रसूल के बेटे। अब्बास अली का बेटा सैयदा ने कहा ये मेरा बेटा, वो तो रसूल के बेटे। सैयदा ने कहा मेरा बेटा, भूल जाते हैं। शियों को नहीं भूलना चाहिए, बचपन से इधर सुन जाए। ये कोई फजाइल मसाइल के जुमले नहीं होते, ये मारिफ की हकायक है। उधर खड़ा है नबी का बेटा। चले मैं जुमला और कहता हूं, हदीसे गुजारते सुनते हो? अक्सर घरों में हर जुमरात को पढ़ी जाती है, ऐसे है ना। ये सैयदा से रिवायत है, उधर जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी हैं। अब जाबिर की अजमत इससे ज्यादा क्या बयान करूं, ये वाहिद हस्ती है और सलमान जिन्हें ये इख्तियार ये अजमत हासिल है कि पाक दरवाजे से हदीस रिवायत कर सकते हैं। या मासूमीन करते हैं या ये करते हैं, दरूद पढ़ दें। जब पांचों इकट्ठे हो गए कसा के तले चादर के तले, तो जिब्रील ने कहा खाले की जो रोशनी जमीन से आ रही है कैसी? कहा ये सैयदा का नूर है। हम सैयदा व अबूहा व बालूहा व बनूहा, बेटे कौन कौन थे साथ? हसन हुसैन
बेटे कौन थे? हसन हुसैन। खुदा क्या कह रहे हैं? जिब्रील के पूछने थे, ये सैयदा है, उसके बाबा हैं, उसके शौहर हैं, उसके बेटे हैं, ये पांच हैं। अब जिब्रील ने कहा मुझे इजाजत है मैं चला जाऊं। तवज्जो रखना, मुझे इजाजत है मैं इनमें शामिल हो जाऊं। इजाजत मिल गई, अल्लाह से इजाजत ले ली थी। अब पहुंच के अदतीर के चादर के दरवाजे पे अल्लाह से इजाजत ले आया। अब कोई आदमी मुझसे इजाजत ले ले कि मैं ये किताब उठा लूं, मैं यहाँ बैठ जाऊं, मुझसे इजाजत लेने के बाद मेरे बेटे से नहीं लेगा। तो जो है ना कि मैं बड़ा हूं वो छोटा है, और यहाँ तो बेटी और बाप वाला फर्क भी नहीं है। अल्लाह से पूछ के आया जिब्रील, मुल्ला खुद सोचा कर अब मैं कहां कहां तेरे जुल्फों में हाथ डालूं। खुद सोचा कर, खुदा से पूछ के आया। हदीसे किसा की अजमत से इनकार करके काफिर हो जा, मुनाफिक हो जा, मेरा तो कुछ नहीं जाता, मुनाफिक हो जा। जब अक्ल से, अक्ल से खुदा के लिए थोड़ी देर अक्ल से सोच, खुदा से मांग के आया इजाजत। जब आया तत्हीर के दरवाजे पे, अल्लाह ने कह दिया था तो चला जाता, रोज तो आता है, पहली बार आया, पहली बार तो नहीं आया ना, रोज आता है, गहवारा जमयानी भी करता है, पैगाम भी लाता है, वही भी लाता है, आज क्यों कह रहा है? उधर से आके सलाम देता है, फिर कहता है मुझे इजाजत है मैं आ जाऊं। कह देता मुझे अल्लाह ने भेजा मैं आ रहा हूं, इजाजत मांग रहा है कि मैं आ जाऊं। उधर से लेके भी जानता है ये अजमत का दरवाजा ऐसा है ना उसे पसंद आएगा। अब जो बात कहना चाह रहा हूं मैं उस तक पहुंचा नहीं, अभी पहुंच गया, इजाजत ले रहा है, इजाजत मांग रहा है, बाहर खड़ा होके कौन शामिल हो नहीं सकता, मैं अलग होकर बैठ जाऊंगा, मैं कुर्बान तेरी अजमत के अब्बास, अभी इस दुनिया में आया नहीं, अभी आया नहीं इस दुनिया में, अभी आसार तक नहीं है, अभी जिक्र तक नहीं है, और बीबी ने अपने दिल को रहल बना के सही पे वफा को सजाया हुआ है दिल में, बताओ कैसे? तथीर की मालिक सैयदा ने अपने पाक दिल को रहल बना के उस पे अब्बास को रखा हुआ है, पाक साहिब का किताब। कैसे बोला बुलाओ अरबिदानों को, खुदा कह रहा है अब तू नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता, जिब्रील ना देखे, सैयदा का दिल में कौन झांक सकता है? वो तो झांक सकता है ना, जो रहता है वही जानता है ना। सैयदा के दिल में झांका, फिर दाएं बाएं देखा, हसन हुसैन बैठे हैं, बाबा बैठा है, नाना बनू होता है तीन के लिए, बेटे दो बेटे हैं, तीसरा कौन आया? हाय 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 हाय, कितनी दफा बीबी ने जिंदगी में कहा, कितने उलमा को ख्वाब में कि मेरे बेटे का जिक्र नहीं करते, उनका करते तो हैं हसनैन का, का मेरा तो अब्बास है, वो तो नबी का बेटा है, का मेरा तो अब्बास है, वो तो नबी का बेटा है। और याद रखना, भूलना नहीं इस बात को, कुछ भी जो हो जाए नहीं भूलना इस बात को, मुझे इस पाक जिक्र की कसम, मेरे मोहसिन की छवि मौजूद है, अपने मोहसिन की कसम, मैंने जिंदगी में ये कसम नहीं खाई, आज खा रहा हूं। मोहसिन पता क्यों कह रहा हूं? सुनते जाओ, खुजर भी इजाजत है, देर तो नहीं हो रही। मोहसिन क्यों कहा है मैंने?
कह दूं, दिल कर रहे है? देखो बड़ा बेसुरा बंदा हूँ, सुर वाले बैठे मेरे पास पढ़ने के लिए, अगर सुर वालों को सुनना है तो मैं छोड़ देता हूँ या बात करता जाऊं मैं। मेरे मोहसिन है, क्यों कहा मैंने, क्योंकि दीन था ही वक्त के इमाम की मारिफत का नाम, दीन था ही इंतजार का नाम, और मौलवी ने सवाए वक्त के इमाम की मारिफत और इंतजार के सब कुछ किया, सारी जिंदगी की टक्करें फजूल जा रही थी जे नाते। क्यों ओ भाई, कुरान की आयत, बल्कि उस आयत से पहले मैं एक फरमान पढ़ लूं, याद रखना मेरी तरफ, ये तो आपके बच्चों को भी हदीस याद है, हदीसें पढ़ते हैं, हदीसों का मफहूम नहीं आता, लफ्ज गुजर जाते हैं ऊपर से, माता वलम यारिफ इमाम जमा नहीं, माता मीता दल जाहलिया, जो मर जाए इस हाल में कि वक्त के इमाम की मारिफत ना रखता हो, मारिफत नाम जानना मारिफत नहीं होता, नाम तो दुश्मन को भी आता है, नाम तो शिमर भी जानता था हुसैन का, नाम बारह नाम याद करके मत कहा करो हम मार आरिफ है, मारिफत ना रखता हो तो क्या हुआ, माता मीता दल जाहलिया, चाहे कलमा को है, नमाजें पढ़ता है, हाजी है, सारी जिंदगी नमाजें पढ़ता रहा, अगर वक्त इमाम की मारिफत नहीं रखता, जाहलियत की मौत मरा। जानते हो जाहलियत क्या है? जहालत और जाहलियत डिफरेंट चीजें, जाहलियत का मतलब है वो दिन जब नबी ने भी पैगाम दिया नहीं था, नबी के पैगाम से पहले का जो दौर है, इस्लाम के आने से पहले का जो दौर है वो जाहलियत है। खुदा कह रहा है अगर वक्त के इमाम को नहीं जानते, ना तेरे लिए कोई नबी आया है, ना तूने कलमा पढ़ा, ना नमाज पढ़ी, ना मुझे माना। क्यों डर के ऐसे मारा लगा थे? जो वक्त के इमाम की मारिफत नहीं रखता, कुफर की मौत मारा, यानी नमाजें पढ़ी कोई फायदा नहीं, रोजे रखे कोई फायदा नहीं, हज किया कोई फायदा नहीं, खुम्स और ज़कात दी कोई फायदा नहीं, चाहे जिहाद करता मारा गया कोई फायदा नहीं, अगर वक्त के इमाम की मारिफत, कितने लोग गुजर गए वक्त के इमाम की दुआ फरमाए कि जो हमारी मुंतजिर नहीं है, जो अपने शहनशाह के लिए दुआ नहीं करता मर जाता है, जिंदगियों में दफन करो, मुसलमानों में दफन ही ना हो, तो किधर गई मजलिस है हमारी? तो एहसान किया कि नहीं किया? और कितना बड़ा एहसान किया कि यार लोग कहेंगे, लोग गद्दियां बनाते हैं, सिलसिले शुरू करते हैं, मुरीद बनाते हैं, दीनदारियां ऊपर लिबादे ओढ़ लेते हैं, मुरीद बना के जायदादें बनाते हैं, अपनी औलाद संवार जाते हैं, कहा मैं दुश्मन कायम को, दुश्मन मेहदी का मुंह बंद करके जाऊंगा, मैं अपने मिशन के दुश्मन का मुंह बंद करके जाऊंगा, ये सब कुछ औलाद के लिए किया जाता है और मैं औलाद साथ लेके जा रहा हूँ। मकसद पाक, मकसद पाक, बानिए मकसद, नारे हैदरी, किसी को दुश्मनी खले करता रहे, जहां तक जिस पैगाम, जिस सतह पे, जिस इश्क की, जिस मारिफत की, जिस अकीदत की, शरीयत की, जिस इंतहा पे वो चाहते थे कि मुंतजिर हूं, उस पे मेरी जरूरत नहीं कि मैं दावा करूं मैं हूं, मगर उससे मोहब्बत तो करते हैं, हो सकता है कभी रास्ता मिल जाए, मोहब्बत तो करते हैं ना उनसे। अब मैंने फरमान पढ़ा, क्या फरमान था कि माता वलम यारिफ इमाम जमाना ही, माता मीता दर जाहलिया, कि आप हर जाकिर आलम से सुनते हैं, मफहूम ये था कि अगर मारिफत नहीं है तो फिर तुम पर कोई कहे नमाज पढ़ते भी हो तुमने नहीं पढ़ी, कलमा पढ़ते हो तुमने नहीं पढ़ा, कि अब सुने जरा, इसी हदीस की तशरीह के लिए मैं कुरान की आयत पढ़ने लगा, ये आयत भी आपके बच्चों को याद है, लेकिन आज आपको लुत्फ और तरह का आएगा, कुरान जब मन कुम तो मौला का ऐलान किया था खुदा ने, मन कुम तो मौला का ऐलान, ये खुदा की तरफ से आया था ना, नबी ने ऐलान किया था खुदा की तरफ से, वो आयत की नाजिल हुई थी, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका व इन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालतहु, बस इससे आगे नहीं पढ़ता मैं, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका व इन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालतहु, ऐ रसूल जो मैंने तुझे नाजिल किया तबलीग कर दे, अगर ना की तूने मेरी रिसालत का कोई काम नहीं किया,
मेरे बाद नबी ने ऐलान कर दिया, मेरे बाद अली वली है खुदा ने का, मैंने दीन आज कामिल कर दिया। ये इकमाल हो रहा है, ये दर्जा बदर्जा होता है, यानी दीन की तकमील का आगाज हुआ है, इंतहा पते में है। अभी आगे कहा क्या, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका वा इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु, अगर तूने अली की विलायत का पैगाम ना पहुंचाया, तूने मेरी रिसालत का कोई काम ही नहीं किया। इसका मतलब है रिसालत थी ही अली के लिए। डाटर के क्यों पढ़ते हो, ये कोई शायर की शायरी है, ये कोई मुबालगे से भरा कलाम सलामत रहे। नारा लगा रहे थे नौजवान, आप लगाओ जरा वापस। कुरान है लागिए तजमा खींचे मोहकमात में से। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका वा इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु, अगर तूने मेरा ये काम ना किया, तूने रिसालत का कोई काम नहीं किया। अल्लाह रसूल ने तौहीद पढ़ा पहुंचा दी, कुरान पहुंचाया, नमाजें पढ़ाई, रोजे रखवाए, जिहाद हुए, बाप ने बेटे को, बेटे ने बाप को मारा, भाई ने भाई को मारा। इतने बड़े मुजाहिदे करने के बाद भी खुदा तू कह रहा है कि ये नहीं आया, इसका पैगाम नहीं आया, अली अली ना किया तो तेरी रिसालत किसी काम की नहीं, तूने मेरा कोई काम किया नहीं। तो हसनैन के नाना ने मुस्कुरा के कहा, अब बात समझ आई, मैंने कहा था ना मम माता वलम यारे इमामा जमाने ही माता मेदा तल जाए लिया, मैंने कहा था ना तुम्हें बता दिया था ना, जो मर जाए और वक्त के इमाम की मारिफत ना रखता हो उसका दीन नहीं, वो काफिर मरता है, मेरी रिसालत नहीं बनती, तेरे ही माल की क्या हैसियत है। झूले को बनाया था ईसा के लिए, खालिक ने झूले को बनाया था मिंबर, उसने भी हसनैन के नाना की गवाही दी, अपनी नबूवत की गवाही दी। आज मेरे मौला अब्बास ने, आज जो मुंतजरीन का, मेरे मौला मेहदी के मुंतजरीन का हादी है अब्बास, जो कामिल नमूना है अब्बास, सलामत रहो। जो सबसे बड़ी जंग होने वाली है रहमान और शैतान की ताकतों की, 1,24,000, एक नहीं दो नहीं, तमाम अंबिया का वारिस हुसैन मौजूद है, और अकेला मासूम नहीं मौजूद, इमामत मौजूद है, उसके सामने मिंबर मिलता है अब्बास को। जरूरी आपसे कहा था दाल लेनी आपसे मैंने, हुसैन खुद भी कर सकते थे, आज अब्बास मिंबर पे आए, सामने खड़ा है नबी का बेटा, यही इलाका था, हज का मौका था, हज के बाद नबी ने अब्बास के बाबा का कसीदा पढ़ा था पलानों के मिंबर पे, आज अब्बास ने अली के बेटे ने नबी के बेटे का कसीदा पढ़ा काबे की छत पे। सलामत रहा, गैरत इलाहिया है। आज अली के बेटे ने नबी के बेटे का कसीदा पढ़ा काबे की छत पे खड़े होकर, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ हाज़ा बिक़दूमे अभी है, हम्द है उस अल्लाह के जिसने शर्रफ हाज़ा बाएं हाथ से इशारा किया बैतुल्लाह की तरफ, शर्रफ हाज़ा इसको शर्फ दिया बिक़दूमे अभी है इसके बाबा के कदमों के सदके। मंजर ये है काबा की छत पे खड़े अब्बा,
हाथ से इशारा है काबा की तरफ, दाएं से इशारा हुसैन की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफा हाज़ा वे कदम अभी है, अभी है जिसने शर्फ दिया इसे उसके कदमों से। उसके बाबा ये नहीं कहा मेरे बाप से, ये नहीं कहा अली के कदमों से, कहा हुसैन के बाबा। कसीदा हुसैन का पढ़ना है, कसीदा हुसैन का पढ़ना है। हम दे उस पाक जात की जिसने इस घर को शर्फ दिया। इस घर का शर्फ क्या है? शर्फ के मानी बताता चलूं, इजाजत है ना? शर्फ होता क्या है? उस्ताद का शर्फ क्या है? वो पढ़ाए। बाप का शर्फ क्या है? बेटे की निगहबानी करे। बंदे का शर्फ क्या है? माबूद को पहचाने। काबे का शर्फ क्या है? इसको सज्दा किया जाए, काबा इतना पाक और बुलंद हो जाए कि सज्दे के काबिल हो जाए। अब अब्बास है, बावफा है, 1,24,000 अंबिया का वारिस भी खड़ा है। मिंबर का नाम है बैतुल्ला, कह कर रहे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफा हाज़ा बिकदूम अभी है। मैं हुसैन को गवाह बना के, 1,24,000 अंबिया के वारिस को गवाह बना के, मासूम अइमा को गवाह बना के, अल्लाह के घर को गवाह बना के कह रहा हूँ, अल्लाह के घर को भी वो शरफ नहीं मिलता जिसका ये हकदार है। जब तक अली के कदम ना आए, अल्लाह के घर को भी जिधर झुक के तेरी नमाजें कबूल होती है, उस घर को भी इसके बाबा के बगैर शरफ नहीं मिलता। तेरी नमाज को शरफ कैसे मिलेगा? तेरे कलमे को कैसे मिलेगा? तेरे तशहुद को कैसे मिलेगा? तेरे ईमान को अली के बगैर शरफ कैसे मिलेगा? कबूलियत। अब्बास तारुफ करवा रहे हुसैन का, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। पूरा खुतबा पढ़ने के लिए तो पूरा इशारा चाहिए, मैं चार जुमले पढ़ूंगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफा हाज़ा बिकदूम अभी है, या अय्युहल काफिर अल फाजिर, ए काफिर और फाजिर, अतसुदून तरीक अल बैत ले इमाम अल बरारा, ओए काफिर और फाजिर, ओए काफिर और फाजिर, ओए काफिर और फाजिर, ओए काफिर और फाजिर, ओए काफिर और फाजिर। कहां कह रहा है? बैतुल्लाह की छत पे। किसे कह रहा है? हाजियों को। हाजी काफिर होते हैं? तुम्हारी छह जुर्रत, तुम इस इमाम के लिए अल्लाह के घर का रास्ता रोक रहे हो, ए काफिर हो। इसकी वजाहत आगे चल के करूंगा, एक जुमला सुनते जाना। काबा की छत के हुसैन को गवाह बना के कह रहे ए काफिर हो, हाजियों को कह रहे, नमाजियों को कह रहे, मुसलमानों को कह रहे, बैतुल्लाह में मौजूद रख के कह रहे, वो जो एहराम बांधे हुए हैं, वो जो हज के लिए सह रहे हैं, अब हज में वक्त ही कितना बाकी रह गया। अब्बास कह रहे हैं अगर इसे इमाम नहीं माना, इसकी मारफत नहीं लगते, तो एहराम पहनते काफिर भी हो, फाजिर भी हो। इसके बगैर ना तुम मोमिन हो ना मुसलमान हो, हाजी तो बाद में बनोगे, तुम तो मुसलमान भी नहीं हो। ऐसे है कि नहीं है? तुम मुसलमान भी नहीं हो, हाजी कब बने? तुम्हारा हज से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हज होगा काबा का, नमाज होगी वो भी काबा के साथ, क्योंकि झुकना पड़ता है काबा को। हज करते हैं तो काबा का तवाफ करना पड़ता है। अब काबा को खुद शरफ मिलता है अली से, तुम्हें काबा क्या दे? वो तो खुद लेता है अली से। लौला हुक्मुल्लाह चली वो असरार अली होते, जुमला सुनिएगा, बख्तवार बली होते, दतारतुल बली लदई। अब्बास कह रहे हैं अगर अल्लाह का हुक्म ना होता, अगर उसके अजीम असरार ना होते, अगर अल्लाह ने लोगों से इम्तिहान न लेना होता, तो ये घर उड़ के आता, इसका सवाब करता, ये घर उड़ के आता। कबलाई यमसी लदाए है, इससे पहले कि हुसैन काबा की तरफ जाता, काबा अपने काबे की तरफ भूला नहीं, खुदा के लिए भूला नहीं। अब यहां मुझे एक जुमला कहने दीजिए,
मुझे सफर करना है और पैगाम भी देना है थोड़ी देर के लिए। मुझे लगता है ज्यादा देर पड़ गया, आप थके तो नहीं ना? एक जुमला सुन ले, सिर्फ एक जुमला, जिंदगी रही तो फिर कभी ये खुतबा भी सुनाऊंगा, इससे बात भी होगी। एक जुमला सुन लीजिए, अगर लौला हुक्म अल्लाह, अल्लाह का हुक्म अगर ना होते, अगर उसके असरार ना होते, अगर इख्तबार बंदों से उसने इम्तिहान ना लेना होता, तो ये घर खुद उड़ के आता। इसके कदमों में कब लाई यमशी लदई है, इससे पहले कि हुसैन इसके तरफ जाता, ये खुद आ जाता हुसैन का तवाब करने के लिए। कहे कौन रहे हैं मेरे मौला पास, जिंदगी रही कभी आए तो ये याद दिलाना, किस किस खतीब ने, किस किस मुअज्जज हस्ती ने, किस किस करम वाली हस्ती ने अब्बास के लहजे से खुतबे देना सीखा, शेर कहना सीखा, इस एक लफ्ज से किस किस को रिस्क का इल्म मिला है अब्बास से। तारीख की बात कर रहा हूं, आज की बात नहीं कर रहा, आज के मुल्ला की बात नहीं कर रहा, तारीख की बात कर रहा हूं। ये जो कहा कि अगर अल्लाह का हुक्म ना होता, अगर उसके अली असरार ना होते, अगर उसने इख्तबार ना करना होता अपने अवाम से, अपने लोगों से, अपने बंदों से, तो ये काबा खुद उड़ के आता, हुसैन का तवाफ करता। मगर तुम्हारे जर्फ छोटे बर्दाश्त नहीं कर सकते, जितना जितना किसका जर्फ उतना देता है खालिक। तो लड़ा मत करो खुदा के लिए, लड़ा मत करो। कहा जो सलमान के दिल में अबू ज़र को पता चले उसे कत्ल कर दे। आप सलमान के दुश्मन है क्या अबू ज़र के? दोनों की मारिफत में इतना फर्क है। जब सलमान और अबू ज़र की मारिफत में इतना फर्क है, आप और मैं किस बात की मूल्य है? मतलब करो खुदा के लिए, जिक्र किया करो, जिक्र सुना करो, एक दूसरे का एहतराम किया करो। तो जो है ना मेरी तरफ कह रहे हैं कि अगर उसका हुक्म ना होता, अगर उसकी मशीयत ना होती, अगर उसके असरार ना होते, अगर उसने बंदों का इम्तिहान लेना ना होता, तो काबा खुद चल के अपने काबे का तवाफ करता। मैं कहा करता हूं यार खुदा के लिए, ये जो नमाजें हैं, ये जो रोजे हैं, ये जो कुरान की तिलावत है, ये जो हज है, ये तुम्हारे लिए है, अली के दुश्मन के लिए नहीं है, ये है ही तुम्हारे लिए। काबा तरसता है कोई अली वाला आए, वो मेरा तवाफ करे, मैं उसका तवाफ करूं। अली का दुश्मन, हाँ आम बंदों को हजम नहीं होगा, अली का दुश्मन तवाफ करने जाता है, तरसती है कोई अली वाला है, मिल के अली अली करे, अली का दुश्मन नमाज पढ़े तो नमाज लालच करती है कि मेरी हकीकत का मुनकर होके तो मुझसे लेने क्या आया। कुरान तुमसे बड़ा अली वाला है, बड़ा शिया है, खुदा की कसम ये सजा के ना रख दिया करो अलमारियों में, सिर्फ कसम खाने के लिए ना इस्तेमाल किया करो। कुरान तरसता है अब्बास बाबाह के सम, कोई अली वाला है मिल सलामत रहो। जिस घर के मानने वाले हो यार, वक्त बहुत हो गया, देखा वक्त बहुत हो गया, जाने से पहले एक पैगाम सुनते जाना। अगर हुसैन से प्यार करते हो ना, तो खुदा के लिए किरदार में तकद्दस पैदा करो। अगर अब्बास से प्यार करते हो ना, दुरूद पढ़ दो इस पाक ज़ात पे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये दस्त बस्ता मैं मेरे मोहसिन मौजूद हैं, अब्बास अलैहिस्सलाम से प्यार, जश्न मना रहे हो ना, जश्न तो अपने मनाया करते हैं, गैर तो नहीं मनाते, अपने मनाते हैं ना। तो यार जब अपने होते हैं तो फिर अपनों का निशान भी रखो ना। मेरे इधर माथे पे खुदा ना करे यूनिफॉर्म जो है सर पे मेरे हो यजीद का और मैं नाम लूं अब्बास का, कितनी बड़ी बात है। अब्बास से सीखो वक्त इमाम से वफा कैसे करते हैं। वक्त इमाम ने कहा हराम के करीब, यार इन सैदों ने कहा क्या था, आपसे तहारत अपना लो क्योंकि वो पाक घर में रहते हैं। यही था ना कि जी नबी ने कहा था कि अली की मोहब्बत, अब मैं क्या करूं यार, खुदा का फैसला है, नबी का फैसला है कि अली से बुक्स हराम ज्यादा रखेगा, इश्क हलाल ज्यादा करेगा। अल्लाह ने ना तो अपने लिए ये शर्त रखी है, ना रसूल के लिए, ना इस्लाम के लिए। अब अल्लाह से लड़ना है तो अल्लाह से लड़ो ना। कहा अल्लाह ने कलमा हर कोई पढ़ सकता है, अल्लाह पे ईमान ला सकता है, रसूल पे ला सकता है, आदम से ईसा, ईसा से खातम तक ईमान ला सकता है, मगर अली के लिए शर्त रख दी हलाली होना यार। अब अल्लाह से लड़ो,
पढ़ो ना, इस बात तो ये वक्त का अली पर्दे में बैठा है। जिनका ख्याल, जिनकी मोहब्बत हराम में नहीं आती, उनकी नुसरत करने वाला हराम कैसे खा सकता है, हराम फेल कैसे कर सकता है, हराम राह पे कैसे चल सकता है। अब्बास से बाबा से सीखो इनसे नुसरत कैसे करनी है। हुसैन श्रेष्ठ घराने का जुर्म यही है कि तहारत का दर्द दिया था। अब मीडिया है, टीवी है, रेडियो है, अखबार है, तो उठा के देखो कितना बता रहे, ये जो ऑयल खाते हो कितना हराम रस्तों से आ रहा है, गंदगियों से उठा। अब तो बता दिया ना, सबको पता है ना, हम कितना बाजारों में हर जगह हराम पड़ा हुआ है, मुर्दा मुहिया को खिला रहे हैं, और शाबाश दरूद है उस पाक घर पे जिसने सिखाया कि आपको 60-70 साल पहले कह दिया था कि उससे प्यार करते हो, उसकी दुआ मांगते हो तो बाजार से ना खाना, हलाल खाना और खुम्स दे के पाक भी कर लेना। मोहसन इंसानियत जिंदाबाद, मोहसन इंसानियत मकसद पाक, मकसद पाक, बानिए मकसद, बानिए मकसद, नारे हैदरी। यार इन सादात से दुश्मनी खुदा के लिए ना रखो, इन्होंने आपसे चंदा नहीं मांगा, नहीं कहते कि हमारे मुरीद बन के हमारे दर पे बंद जाओ, अपने घर बैठे रहो, पाक खाओ और दुआ करो, और क्या मांगते हैं यार। इन्होंने और आपसे कुछ मांगा ही नहीं था। पर अगर आप कहते हैं कि शाह इमरान उनका मुरीद है, मैं मुरीद नहीं हूँ, याद रखना मेरी जुर्रत ही नहीं है, मैं कहला हूँ, मैं सिर्फ प्यार करता हूँ, मोहसिन है, मैं इजहार करता हूँ, उनसे मुरीद होना कोई मजाक नहीं है। सही है, मैंने लाड बड़े किए, जितने मैंने लाड किए शायद कोई करता रहा हो, मुझ पर एहसान भी बड़े, लेकिन फिर भी ढटाई देखोगे हम कहते हैं मुरीद नहीं है, काम सौका नहीं है बच्चे, मैं क्यों ऐसे झूठ बोल दूं। लेकिन अगर मैं उनसे प्यार करता हूँ और मुझ पे अगर कोई बुराई है तो उसमें उनका क्या कसूर है, तो फिर आप तो नबी पे भी इल्जाम देंगे कि नबी के फलां फलां लगते थे, फलां फलां काम करते थे, क्या नबी का कसूर था यार, वो मेरा कसूर है, इनका कोई कसूर नहीं है। पैगाम दिया है मौला हुसैन की कसम, मैं एक आलिम का बेटा हूँ, आलिम का नवासा हूं, आपकी बरे सगीर की नगरी का पहला सुल्तान उजागरीन मेरा नाम है, आप बहुत से रिश्तेदार बैठे हैं, मेरे वालिद कितने बड़े आलिम थे आप खुद जानते हैं, लेकिन मैं बात कर नहीं रहा हूं, मैं इस मोहसिन की बात कर रहा हूं कि जो इस मोहसिन ने दिया आपको किसी ने नहीं दिया, औलाद कुर्बान करके चले। और आज मैं ये बात पता क्यों कर रहा हूँ, मैंने कभी मजलिस में इतनी लंबी बात मालिक में हवाले दे जाता हूँ, उनका पैगाम भी देता हूँ, लेकिन इतनी लंबी बात नहीं करता, पता क्यों कर रहा हूँ आज, क्योंकि आज अब्बास से बावफा का जिक्र है तो वफा तो करे ना आदमी, वफा तो करे, तो यार दुआ करो कि हमें मालिक इस काबिल बनाए इस दिन के सदके हम मकसद से ना जाओ चमन शाह, ना मानो ने फिर, बस पाक खाओ यार, पाक रहो, मालिक से दुआ करो कि तुम्हें तमस्सुक दे, फिर पता नहीं यही दिखा दे दुआ के बाद आपको, तुम्हें क्या करूं। तो रास्ता कि तो वो करीम है, वो घराना है, कोई एहसान हल जजाउल एहसान जिला एहसान, तो ये बच्चे कुर्बान कर देना मिशन के लिए कोई मजाक नहीं होता। खुदा के लिए इस दिन अहद कर लें, अब्बास बावफा की खुशी के दिन दुरूद पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, मेरे मालिक हमें इस घर से वफा की, तौहीद से वफा की, रिसालत से वफा की, कुरान से वफा की, हुसैन से वफा की, इस मिशन से वफा की तौफीक दे, मेरे वक्त के इमाम को जहर चल फरमा और हमें इस काबिल बनाओ कि नालायन पाक की ज्यारत कर सके, हमारी आंखों को वो तकद्दस दे पाकिजगी दे उनके नालायन की ज्यारत कर सके, हमारे बदन इतने पाक हो कि उस नालायन पे कुर्बान कर सके, हमारा रिज्क इतना पाक हो कि हम उस पाक राह में कुर्बान कर सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, नारे हैदरी।